हे गाइस, तो ये मैंने फोटो ग्राफिटी का बनाया था पिक्सआर्ट और लाइटरूम के अंदर। तो गाइस, आप लोग को भी ऐसा सीखना है तो वीडियो को स्टार्ट कर दे गाइस। तो बैकग्राउंड कैसे इरेज कर दे उसकी वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी गाइस। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। आप लोग भी एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड जो इरेजिंग होता है वो आप लोग सीख जाओगे कि बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं। तो एकदम हाई क्वालिटी में आप लोग को मैं उसमें इरेजिंग बता दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे गाइस जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं हम लोग PNG में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये फोटो जो है मैंने ऑटोडेस्क के अंदर टचअप किया हुआ है गाइस, उसकी भी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाली हुई है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 4x5 के वाइट ब्लैंक बैकग्राउंड से। तो ये जो फ्रेम है मैं पिक्सआर्ट के अंदर शेयर करने वाला हूँ, तो ये इसको मैंने शेयर कर लिया है। अब यहाँ से मैं सिंपली चले जाऊँगा ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से मेरे को लेयर पैनल ऑन करके एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो कर लेना है। और जैसे कि मैंने ऐड फोटो कर लिया है, और ये जो फोटो है गाइस मैंने ये ऑटोडेस्क के अंदर टचअप किया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी ये जो फोटो है यहाँ पे मैं इसको फ्रेम में ले लेता हूँ। और जो पीछे है गाइस उसमें मैं वॉल का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करके नीचे ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ग्रेफिटी का वॉल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और ये फोटो गाइस इसके लिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा अलग पोज में, और ये जो हमारा मॉडल है वो अलग पोज दिए हुए हैं। तो फोटो को गाइस हम लोग यहाँ पे फ्लिप कर लेंगे। अगर आप लोग ऐसे ही पोज में दिए हो तो आप लोग पोज जो है वो यहाँ पे आप लोग फ्लिप करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जो है बैकग्राउंड पहले सेट करके ले लेता हूँ, उसके बाद जो बैकग्राउंड है गाइस उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप कर दूंगा। तो अगर आप लोग को मॉडल को भी करना है तो आप लोग मॉडल को भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है पोज ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पोज यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। और जो बैकग्राउंड है गाइस हम लोग उसको फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लिप कर दिया गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है। तो अभी मैं बैकग्राउंड के साथ जो है उसको वाइट लेयर के साथ मर्ज कर लूँगा। उसके बाद आई बटन से मैं मॉडल को क्लोज करके यहाँ से डिस्कार्ड करके चले जाऊँगा इफेक्ट्स टूल के अंदर। और इफेक्ट्स टूल में जाने के बाद यहाँ पे जो ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग को ब्लर का टूल दिखेगा। ब्लर के टूल पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आप लोग यहाँ पे लेंस ब्लर का सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे जो रेडियस होता है गाइस वो आप लोग को रेडियस अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोग को सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो नीचे का पोर्शन है वो आप लोग को इरेज करके ले लेना है। और इरेज जैसे कि हो जाएगा ये, तो यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया एकदम परफेक्टली। और मेरे को यानी कि जो साइड का जो है, जो आप लोग राइट का जो पोर्शन आप लोग देख सकते हो वहाँ का मैंने पोर्शन वहाँ पे हल्का सा ब्लर किया है, क्योंकि समझो कि 50 mm का अगर आप लोग 1.8 एपर्चर यूज़ करते हो तो वहाँ से जो पीछे का जो जगह होता है वो यहाँ पे ब्लर होना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड मैं आप लोग को सेव करके दे देता हूँ, आप लोग को ब्लर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैं ऐड फोटो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है मैंने जो ऑटोडेस्क के अंदर टचअप किया हुआ था वो यहाँ पे मैं फ़ोटो ऐड करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म करके इसको बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो जो है उसको बड़ा करके ले लिया है। अब ये जो फ़ोटो है गाइस यहाँ पे मैंने एकदम परफेक्टली जो है इसको एकदम सेट कर लिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे अभी देख सकते हो। और अभी यहाँ पे जो है ना गाइस यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दिखता रहेगा आप लोग को, शेडो का यहाँ पे टूल है, तो आप लोग शेडो का टूल यूज़ कर लेना मेक श्योर। तो पहले यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो पोजीशन होता है ना गाइस उसमें यहाँ पे आप लोग जो भी है ना, यहाँ पे आप लोग हार्डनेस और रेडिएशन जो होता है वो आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर आप लोग हार्डनेस बढ़ा रहे हो तो जो शेप है ना गाइस वो एकदम प्रॉपर मिलेगा, और अगर रेडिएशन बढ़ा रहे हो ना तो इसमें कैसा सीन रहेगा मालूम है क्या? आप लोग जितना आप लोग को डार्क चाहिए आप लोग उतना डार्क कर सकते हो, जितना आप लोग को ब्लर चाहिए उतना आप लोग ब्लर कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग पोजीशन सेट कर सकते हो, अगर आप लोग को शेडो में अलग कलर चाहिए तो वो भी आप लोग ऐड करके यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की बारी आती है गाइस मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करके ले ले रहा हूँ। और यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ गाइस, मैंने पूरा अपना जो है वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो है शेडो एकदम परफेक्टली बिठा दी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ड्रॉ टूल में वापस से चले जाता हूँ, और यहाँ पे जो लेयर है उसको ओपन करके हम लोग एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो कर लेंगे। अब ये जो फेड वाला शेडो है ना गाइज वो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ से लगा लेना है, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है कि फोटो नकली टाइप का लगना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे का पोर्शन डार्क कर लेंगे ना तो फोटो एकदम गाइस एकदम बैकग्राउंड के साथ एकदम काफ़ी मर्ज करने हुए लग जाएगा। तो लेयर्स की जो है ना उसको आप लोग को कॉपी बना लेना है। तो आप लोग जितने भी सारे लेयर्स है, अगर आप लोग को ज़्यादा पोर्शन डार्क चाहिए तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, लेयर्स को कॉपी करते हुए चले जाना है। यहाँ पे 3 डॉट्स है, आप लोग कॉपी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग मर्ज कर सकते हो जाके वापस से। और यहाँ पे मैं ऐड फोटो कर लेता हूँ। अब ये जो व्हाइट लेंस फ्लेयर की जो PNG है ना गाइस उसको आप लोग को ब्लेंड करके स्क्रीन कर लेना है, और जैसे कि आप लोग स्क्रीन कर लोगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये आप लोग किधर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे
जो यहाँ पे पीछे ग्राफिटी आप लोग देख सकते हो जो डिज़ाइन है उसके पीछे यहाँ पे मैं व्हाइट लेंस फ्लेयर जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और उसकी ओपेसिटी मैंने 37 रखी हुई है। मैंने उसको मर्ज करके यहाँ से 3 डॉट्स इमेज को सेव कर लेता हूँ, और एक बार गाइस गैलरी में रिव्यू देख लेंगे कि फोटो हमारी कैसी बनी है। तो फोटो आप लोग देख सकते हो काफ़ी हाई क्वालिटी की बनी हुई है, मैंने 4x5 का ही फ्रेम यूज़ किया है, पूरा फ़ोन के अंदर मैंने किया हुआ है, और फोटो काफ़ी यहाँ पे गाइस मैच कर रहा है। तो अभी मैं इसको लाइटरूम में शेयर किया हुआ गाइस क्योंकि मेरे को कलर ग्रेड करना है, और यहाँ पे जो ग्रे लुक की जो प्रीसेट है ना गाइस यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करके सेटिंग को ऑल कर लेना है, ये प्रीसेट की कॉपी करके अपने फोटो पे जाके 3 डॉट से सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो फोटो की जो इफेक्ट है ना गाइस एकदम चेंज हो जाएगी। जो वॉल के साथ जो आपका फोटो है ना वो एकदम काफ़ी एकदम परफेक्टली और एकदम मैच करते हुए लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस करना है, या अगर आप लोगों को टेम्परेचर चेंजेस करना है, यहाँ पे अगर आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीसेट में भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर ये प्रीसेट कॉपी करके अगर पेस्ट करते हैं गाइस, तो यहाँ पे कैसा आप लोग का जो सेटिंग जो है कुछ कुछ आप लोग को अगर नहीं आती होगी, अगर आती भी होगी तो यहाँ पे आप लोग का जो टाइम है वो गाइस काफ़ी सेफ हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे थोड़ी मैं यहाँ पे कलर ग्रेड में चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि जो ग्रेफिटी यहाँ पे वॉल है गाइस काफ़ी डार्क है, तो उसके हिसाब से मेरे को चेंज करना पड़ रहा है, और जो इसकी सैचुरेशन है उसको मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग वाइब्रेंस देख सकते हो, टिंट दे सकते हो कि मैंने सारे चेंजेस किए हुए हैं। प्लस यहाँ पे मैं सिलेक्टिव टूल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ का जो नीचे का पोर्शन है वो मेरे को काफ़ी डार्क करना है, तो यहाँ पे मैंने नीचे के पोर्शन को सिलेक्टिव टूल में यहाँ पे ले लिया, एक्सपोजर को यहाँ पे मैंने कम कर लिया है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है उसको भी मैं कम कर लूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे जो आगे का जो लाइन मैंने यहाँ पे लिया था स्क्वायर टूल, तो उसको यहाँ पे सिलेक्टिव टूल को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपोजर मैंने कम किया है, नीचे का पोर्शन गाइस ऑलरेडी यहाँ पे डार्क हो चुका है। तो यहाँ पे फोटो को कर लेते हैं हम लोग सेव। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाता हूँ, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।